वेडनेस एडम्स एक हाई स्कूल की स्टूडेंट होती है वह अपने छोटे भाई को अपने लॉकर में बंधा हुआ पाती है उसे ये पता होता है कि ये उसी के स्कूल के कुछ शैतानी लड़कों की हरकत है तभी वेडनेस को उन लड़कों की एक दिव्य दृष्टि दिखती है जिन्होंने उसके भाई को परेशान किया होता है ये दिव्य दृष्टि उसे कुछ टाइम पहले ही दिखना शुरू होती है और उसे ये नहीं पता होता है की ये उसे क्यों दिख रही है जिन लड़कों ने उसके छोटे भाई को परेशान किया वह उन्हें मारने की कोशिश करती है जब वे लड़के स्विमिंग पूल में नहा रहे होते हैं तब वेडनेस पिराना मछली को स्विमिंग पूल में छोड़ देती है और इसी वजह से वेडनेस डे को स्कूल से बाहर निकाल देते हैं और वेडनेस डे के माता पिता मोट्रेसिया और गोमेज जेरी को बहिष्कार किया हुआ स्कूल होता है क्यूँकी उन स्कूल में ऐसे बच्चे पढ़ते है जिनके पास कुछ न कुछ सुपर पावर होती है इसलिए वहाँ के लोग उन्हें खुद से अलग समझते है और वेडनेस डे के माता पिता भी इसी स्कूल से पढ़े थे और इसी बीच नेवरमोर अकेडमी के पास एक अज्ञात प्राणी द्वारा किसी की हत्या कर दी जाती है शेरीफ यानी पुलिस को शक होता है कि ये किसी इंसान और जानवर का काम नहीं है वेडनेस डे के माता पिता ने थिंग को वेडनेस डे के ऊपर नजर रखने के लिए छोड़ दिया है थिंग एक इमोशनल कटा हुआ हाथ होता है और दूसरी तरफ वेडनेस डे अपनी रूममेट एनिड से मिलती है एनिड वेडनेस डे के बिल्कुल अपोजिट होती है वह एक हसमुख नेचर की लड़की होती है और एनिड वेडनेस डे को स्कूल की सबसे लोकप्रिय लड़की बियांका के बारे में बताती है लेकिन तभी वेडनेस डे को एक स्टेचू को गिरा के मारने की कोशिश की जाती है लेकिन बियांका का एक लवर उसे बचा लेता है कोर्ट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग वेडनेस डे को हर हफ्ते साइकेट्रिक से मिलना होता है और वो अपने साइकेट्रिक के वहां से चुपके से भाग जाती है और तभी उसे एक नाम का लड़का मिलता है जो उसे उसकी स्कूल से भागने में हेल्प करने का वादा करता है लेकिन तभी प्रिंसिपल लोरिसा वेम्स वेडनस डे को पकड़ लेती है और वापस स्कूल लेके चली जाती है बाद में वेडनेस डे और टाइलर एक लोकल कॉर्निवल फेस्टिवल में मिलते हैं जहाँ पर रोवन जो नेवरमोर अकेडमी का ही स्टूडेंट होता है वो अपनी सुपर पावर से वेडनेस को मारने की कोशिश करता है लेकिन तभी एक राक्षस रोवन की हत्या कर देता है दे की रोवन की और सब लोग वेडनेस को झूठा समझते हैं लेकिन वेडनेस को रोवन के ऊपर शक होता है और वह इन सब की खुद जांच करने का फैसला करती है वह रोवन के बारे में पूछने के लिए अपने कैंपस में घूमती है लेकिन उसे पता चलता है कि रोवन को स्कूल से निकाल दिया गया है और प्रिंसिपल वेम्स वेडनेस के ऊपर कड़ी नजर रखती है ताकि वह फिर से स्कूल से भागने की कोशिश ना करे और वेडनेस दे देखती है कि रोवन स्कूल छोड़ के जा रहा है और वह थिंग को उसके ऊपर नजर रखने के लिए कहती है और तभी रोवन चुपके से अपना रूप बदल के प्रिंसिपल वेम्स बन जाता है और थिंग उसे खो देता है उसे पता ही नहीं चलता है की रोवन कहा चला गया असल में वह रोवन नहीं होता वह प्रिंसिपल वेम्स ही होती है जिनके पास रूप बदलने की सुपर पावर होती है और दूसरी तरफ वेडनेस को एक पुरानी स्टूडेंट सोसाइटी से रिलेटेड एक बुक के बारे में पता चलता है जब वह बुक को खोज रही होती है तब उसे बियंका की जिसमें वह स्टूडेंट टूर्नामेंट में हेराफेरी करने का प्लान बना रही होती है और वेडनस बियंका को हराने के 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 लिए लिए और और टूर्नामेंट जीतने ग्रुप में शामिल हो जाती है और वो उस टूर्नामेंट को जीत लेती है बाद में वेडनेस को स्कूल के अंदर एक छुपी हुई लाइब्रेरी के बारे में पता चलता है लेकिन तभी लाइब्रेरी में उसको किडनेप कर लिया जाता है लेकिन वेडनेस को पता चल जाता है की यह बियंका जेवियर और उसी के स्कूल के स्टूडेंट है और

स्टोन उसकी पूर्वज लड़की और वहाँ के सभी लोगों को जला के मार डालता है लेकिन उसकी पूर्वज लड़की भागने में सफल हो जाती है और वेडनेस डे को राक्षस द्वारा किए गए हमले से यह पता चलता है कि वह एक इंसान है जो राक्षस में बदल जाता है और हत्या करने के बाद फिर से इंसान बन जाता है और शहर में जोसफ क्रैक स्टोन की एक मूर्ति का उद्घाटन हो रहा होता है जिसमे वेडनेस डे थिंग की मदद से आग लगा देती है जंगल में राक्षस द्वारा एक आदमी की हत्या कर दी जाती है और पुलिस को जांच में वहां पर एक कैमरा मिलता है जो राक्षस की तस्वीरें लेने में कामयाब रहता है वेडनेस और थिंग राक्षस के द्वारा मारे गए लोगों के बारे में जांच करने के लिए वह एक मोर्चुरी में घुस जाते हैं वह राक्षस द्वारा की गई हत्याओं के पैटर्न की पहचान कर रही होती है उसे पता चलता है की हर एक डेड बॉडी से कुछ बॉडी पार्ट को सर्जरी से हटा दिया गया है जैसे किसी का सर किसी की अंगुलिया और किसी का पाऊ वेडनेस को जेवियर के ऊपर शक होता है वह जेवियर का पीछा करते हुए उसके आर्ट स्टूडियो में चली जाती है वहाँ पर उसे राक्षस की कई सारी पेंटिंगें मिलती है और उन की मदद से वह राक्षस की गुफा तक पहुंच जाती है और उस गुफा में वेड को राक्षस के पंजे का नाखून मिलता है वह उसकी डीएनए जांच करने के लिए शेरिफ को दे देती है वेडनस दे और स्कूल में में एक में एक डांस कंपटीशन साथ पार्टिसिपेट करते हैं और दूसरी तरफ यूजिन जो वेडनेस डे का क्लासमेट होता है वे दोनों साथ मिलकर राक्षस के बारे में खोज कर रहे होते हैं लेकिन तभी यूजिन अकेला ही राक्षस की गुफा की तरफ चला जाता है वह देखता है की किसी इंसान ने राक्षस की गुफा में विस्फोट करके आग लगा दी और शहर के मेयर वॉकर का बेटा डांस पार्टी को खराब करने की कोशिश करता है क्योंकि जोसेफ क्रेकस्टोन के प्रोग्राम में जो आग लगी वह उसका बदला लेना चाहता होता है और वह बिल्डिंग के फायर स्प्रिंकलर को टारगेट करता है वह उसमें एक खून जैसा रेड कलर डाल देता है जिससे डांस पार्टी में सभी के ऊपर रेड कलर की बारिश होती है जिससे सभी की ड्रेस और डांस पार्टी खराब हो जाती है और तभी वेडनेस को पता चलता है की यूजिन की जान खतरे में है वह जल्दी से जंगल में जाती और देखती है की यूजिन को राक्षस ने बुरी तरह से घायल कर दिया है वह जिंदा होता है और तभी वेड को पता चलता है कि 32 साल पहले उसके फादर गोमेज एडम्स को एक हत्या के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया था और वह हत्या जोसेफ के वंशज गैरेट गेट्स की थी और एक पेरेंट्स मीटिंग में वेडनस के माता पिता नेवर में आते हैं और वेडनेस डे अपने माता पिता से उस हत्या के बारे में पूछती है लेकिन वो उसे मना कर देते हैं और इसी बीच शेरीफ को पता चलता है की कॉर्नोर जो एक ऑटोपसी डॉक्टर होता है उसने सुसाइड कर लिया और उसने अपने सुसाइड नोट में लिखा कि उसने गैरेट गेट्स की आत्महत्या की नकली रिपोर्ट बनाई थी जबकि रियलिटी में उसने आत्महत्या गिरफ्तार माँ, माँ मुझसे प्यार करती थी और यह बात गेरिड गेट सहन नहीं कर सका और उसने मुझे मारने की कोशिश की लेकिन मेरी जान बचाने के लिए गलती से तुम्हारी माँ के हाथों से वो मारा गया और तुम्हारी माँ को बचाने के लिए इस हत्या का जुर्म मैंने ने ऊपर ले लिया लेकिन तभी वेडनेस डे को कुछ शक होता है वह अपनी माँ मार्टेसिया के साथ मिलकर गैरेट गेट्स की कब्र खोदती है और उसे पता चलता है कि गैरेट गेट्स के मारे जाने से पहले किसी ने उसे बहुत खतरनाक जहर दिया था और तभी मेयर वॉकर को यह पता चलता है कि गैरेट गेट्स का इरादा नेवरमोर अकेडमी के सारे लोगों को मारने का था क्योंकि गैरेट गेट्स के पिता नेवरमोर अकेडमी के लोगों से नफरत करते थे और ये सारी बातें वह शेरीफ को बताते हैं जिसके बाद वेडनेस डे के माता पिता को जेल से छोड़ दिया जाता है है। और प्रिंसिपल वेम्स वेडनेस डे के सामने ये एक्सेप्ट करती है की उन्होंने रोवन की हत्या की बात छुपाई थी क्यूँकी रोवन की हत्या का सारा आरोप नेवर मोर अकेडमी के ऊपर ही आता और उसने इस अकेडमी को बदनामी से बचाने के लिए यह सब किया था और वेडनेस डे की पूर्वज गुडी एडम्स ने ही जोसेफ कैकेस्टोन को मार डाला था और एक सरप्राइज पार्टी के दौरान वेडनेस डे को दिव्य दृष्टि दिखाई देती है जिसमें वह अपनी पूर्वज गुडी एडम्स से मिलती है जो वेडनेस डे को गेट्स हवेली की तलाश करने को कहती है और वेडनेस डे मेयर वॉकर को देखती है गेट्स हवेली से बाहर निकलते हुए और वह उनका पीछा करते हुए शहर में आ जाती है लेकिन शहर में मेयर वॉकर को एक कार से कुचल दिया जाता है जिससे वो बहुत गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं और प्रिंसिपल वेम्स डे के ऊपर स्कूल से बाहर जाने की पाबंदी लगा देती है और वेडनेस डे टाइलर और एनिड की मदद से स्कूल से भाग कर गेट्स हवेली पहुंच जाती है वहाँ आकर उसे पता चलता है की लोरेल गेट्स गैरेट की सबसे छोटी बहन जिसे लंबे समय से मरा हुआ माना जाता था लेकिन वह अभी भी जीवित है लेकिन हवेली के तहखाने में उन्हें लोगों के कटे हुए बॉडी पार्ट मिलते हैं और यह उन्हीं लोगों के बॉडी पार्ट है जिन्हें राक्षस ने मारा था लेकिन तभी हवेली में राक्षस उनके नहीं मिलते क्यूँकी शेरीफ के आने से पहले ही उन्हें किसी ने वहाँ से हटा दिया था और दूसरी तरफ कोई हॉस्पिटल में मेयर वॉकर की हत्या कर देता है और मेयर वॉकर के अंतिम संस्कार में वेडनेस डे को एक आदमी के ऊपर शक होता है जब वह उनका पीछा करती है तो वह स डे के अंकल फोस्टर होते हैं वह एक बैंक चोर होते हैं और पुलिस से बचने के लिए यहाँ पर छुपने के लिए आए हैं और अंकल फोस्टर वेडनेस डे को बताते हैं कि वह राक्षस एक हाइड है और अंकल वेडनस को एक सीक्रेट डायरी के बारे में बताते हैं और वो डायरी स्कूल के नीचे छिपी सीक्रेट लाइब्रेरी की एक सीक्रेट तिजोरी में रखी हुई है और उस डायरी से वेडनेस डे को पता चलता है की हाइड कभी भी अकेले नहीं होते और उनके पास हमेशा उनके मास्टर होते हैं जो उन्हें कंट्रोल करते और उन्हें ऑर्डर देते हैं और बाद में वेडनेस डे जेवियर का पीछा करती है और वेडनेस जेवियर को एक साइकेट्रिक डॉक्टर किनबोर्ड से मिलते हुए देखती है और ये वही साइकेट्रिक होती है जिनके पास भी जाती है और बाद में अपने रूम में अपने आके देखती है कि, कि किसी ने रूम से डायरी चोरी कर ली और चाकू थिंक को घायल कर दिया लेकिन अंकल फोस्टर थिंक को इलेक्ट्रिक शोक देके उसकी जान बचा लेते हैं और वेडनेस को पता चलता है की लोरल गेट्स जीवित है और वही हाइड की मालिक है वेडनेस को स्टार्टिंग में अपने साइकेट्रिक डॉक्टर किनबोर्ड पे शक होता है क्योंकि डॉक्टर किनबोर्ड जेवियर से मिलती थी और वेडनेस को लगता था कि जेवियर ही वह हाइड है और डॉक्टर किनबोर्ट ही उसकी मास्टर है लेकिन वह राक्षस हाइड डॉक्टर की भी हत्या कर देता है एक बार जब टाइलर को किस करती है 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 तभी उसे दिव्य दृष्टि आ जाती वह वह देखती है कि टाइलर ही राक्षस और उसी ने डॉक्टर किनबोर्ट को मारा है वेडनेस और उसके दोस्त टाइलर को किडनेप कर लेते हैं और वेडनेस उसे टॉर्चर करती है ताकि वह एक्सेप्ट करे की वही राक्षस है और वेडनेस के दोस्त टाइलर को टॉर्चर करने के अगेंस्ट में होते हैं और वे वहां से चले जाते और प्रिंसिपल वेम्स को सब कुछ बता देते हैं और शरीफ द्वारा को गिरफ्तार कर लिया जाता है और पुलिस स्टेशन में टाइलर के साथ अपने राक्षस होने की बात को एक्सेप्ट करता है और से से परेशान होकर प्रिंसिपल वेम्स उसे नेवर मोर बाहर निकाल देती है और दूसरी तरफ हॉस्पिटल में यूजिन को होश आ जाता है जो राक्षस के हमले से घायल होने की वजह से बेहोश था अब तक और यूजिन वेडनेस डे को बताता है की कि कि किसी गुफा में आग लगा दी थी जिसकी वजह से राक्षस ने बाहर आके मुझ पर हमला कर दिया और यूजिन आग लगाने

बॉडी पार्ट्स और वेडनेस डे का ब्लड यूज करके जोसेफ क्रैकस्टोन को फिर से जीवित कर देती है, दे है।, दे है।, दे है के के जिससे वो हमेशा के लिए मर जाएगा और जोसेफ क्रेकस्टोन नेवर मोर अकेडमी में आकर हमला कर देता है और दूसरी तरफ एनिड अपने असली वेयर वोल्फ के रूप में आ जाती है यानी वह एक भेड़िया बन जाती है और वह टाइलर यानी हाइड के साथ लड़ाई कर दे। और उसे घायल कर देती है और वेडनेस डे दे मौका देख के जोसेफ क्रेकस्टोन के सीने के बीच में चाकू मार देती है जिससे वो हमेशा के लिए मर जाता है और तभी मक्खियों से लॉरेल गेट्स के ऊपर हमला करके उसे मार डालता है और इस तरह से नेवर मोर अकेडमी खत्म होने से बच जाती है और दूसरी तरफ जेवियर को जेल से छोड़ दिया जाता है और टाइलर को गिरफ्तार कर लिया जाता है और वेडनेस डे नेवर मोर अकेडमी छोड़ के नहीं जाती वह वहीं पर रहने लगती है और इसी के साथ हमारी कहानी खत्म हो जाती है